वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन। मेरे पास एक लड़की है जो रेस्टोरेंट मैनेजर है यहाँ पर, और ये गुजरात की आपकी बेची है, और ये थाई खाना सर्व करती है। अब मैंने बताया लिटिल इंडिया वाले हैं जो इंडिया गेट है, उनकी एक और फ्रेंचाइज है यहाँ पर। थाई खाना बहुत फेमस है, हमारे जो पॉलिश के लोग हैं दे लव थाई फूड, एंड उसके लिए लड़की यहाँ पर रेस्टोरेंट खुद चलाती है। ऑफकोर्स शेफ हैं, थाई शेफ्स हैं, लड़के हेल्प करते हैं, पर इसकी इंटरव्यू लेंगे कि इसकी जर्नी गुजरातन लड़की की कैसी है यहाँ पर, कितना पैसा बनता है, और आप लोग भी कैसे आ सकते हैं। पर इस रेस्टोरेंट का नाम मिस थाई है, जैसा हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। तो चलिए वेलकम करेंगे इस लड़की के शो पर। पर आपने वीडियो को दिल खोल के लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पहला यूट्यूब अपना पैसा लगाकर रातों रातों को रेस्टोरेंट जाकर, जबकि मेरे खुद यूके 5 घर हैं, मैंने 58 कंट्रीज देखी, पर फिर भी आपके लिए भाग भाग कर आता ताकि आपको मोटिवेट कर सके। तो वेलकम करेंगे मैम को अपने शो पर। मैडम वेलकम टू माई शो। तो प्लीज़ ये लगा लीजिए, यहाँ पर लगा लीजिए अपने कॉलर के पास। तो मैम बताएं आप पब्लिक को कि आपका नाम क्या है और आप पोलैंड कैसे आई थी। जी मेरा नाम जागृति पटेल है और मैं पोलैंड स्टूडेंट वीज़ा पे आई थी, और उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट की मिस थाई रेस्टोरेंट में, और मेरे सारे शेफ थाईलैंड से हैं, और हम लोग थाई ऑथेंटिक खाना देते हैं, एंड इट इज़ रियली रियली वेरी डिलीशियस। और मेरे बहुत सारे कस्टमर थाई से भी हैं जो कि थाईलैंड से आते हैं स्पेशली थाई खाना खाने के लिए, और मेरे पॉलिश कस्टमर्स भी हैं बहुत सारे, इंडियन भी मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं, और पॉलिश भी कस्टमर हैं जो कि स्पाइसी खाना नहीं खा पाते हैं, फिर भी उनको थाई खाना इतना पसंद है कि वो यस लिटिल स्पाइसी करके भी वो खाना खा लेते हैं। और मेरे इंडियन कस्टमर भी हैं, उनके लिए ये खाना चाइनीज़ फूड जैसा हो गया है, तो वो लोग भी मेरे पास इंडियन कस्टमर भी हैं। वेल्टन में हमने बहुत अच्छा बोला कि आपका खाना बहुत टेस्टी है। अब बताएं कि आप स्टडी वीज़ा पर कौन से ईयर को आई थी, कम बैक टू यू नाउ, और आपने वर्क वीज़ा में हो, अभी कैसे कन्वर्ट किया वर्क वीज़ा? जी मैं यहाँ पे आई थी 2018 अक्टूबर में, मेरा स्टूडेंट वीज़ा था, उसके बाद मेरी स्टडी ख़त्म हुई, उसके बाद मैंने वर्क वीज़ा लगवाया एक रेस्टोरेंट से, और मुझे वर्क साल 3 साल का वर्क वीज़ा मिला यहाँ पे, और अभी मैं वर्क वीज़ा पे। आपने वर्क वीज़ा कैसे लगा, कितने पैसे एम्प्लॉयर ने पे किए कि आपने पे किए? जैसे हमारे माल्टा में होता है आप 280 यूरो पे करते हैं, बाकी पैसा एम्प्लॉयर का। आप कैसे वर्क वीज़ा लगता है यहाँ पे? वर्क वीज़ा मैंने खुद से लगवाया था, मैंने वर्क परमिट मतलब वर्क के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो मैंने ओनर से लिए थे, वो मैंने मेरे ओनर से लिए थे, और फिर मैंने अपना लॉयर खुद हायर किया था, और फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट खुद से लगवाए थे। ईजी है स्टडी वीज़ा को वर्क वीज़ा कन्वर्ट करना पोलैंड में? बिल्कुल ईजी है, मेरा डिसीजन सिर्फ 3 महीने में आया था। 3 महीने कौन कौन डॉक्यूमेंट लगा, याद है? एक तो बोल दो डॉक्यूमेंट, पब्लिक हेल्प कौन कौन डॉक्यूमेंट लगा? जी उसमें मेरा डॉक्यूमेंट था, पहले तो मेरा जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मुझे वर्क से मिलता है वो, फिर उसके बाद जो मैंने स्टडी कंप्लीट की है उसके डॉक्यूमेंट होते हैं वो, स्टडी कंप्लीट करने के डॉक्यूमेंट, उसके बाद जो पासपोर्ट हमारा लगता है वही लगता है, और इंश्योरेंस लगता है। स्टडी कौन सी की थी, कौन सी स्टडी? मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। मास्टर्स बिजनेस मैनेजमेंट आपने की थी, और आपने बोला है कि आपका पैसा कितना लगा था रफली इंडियन रुपीज में? रफली इंडियन रुपीज मेरा 2000 PLN है, तो देखने जाए तो 20,000 40,000 में इंडियन रुपीज़ में उन्होंने अपना वर्क वीज़ा कन्वर्ट कर लिया, स्टडी वीज़ा यहीं से कन्वर्ट कर लिया। तो शाबाश, वीडियो को लाइक करते, चैनल सब्सक्राइब करो, आपने सीवी कार्ड बनाना, आप इंस्टाग्राम पर आ जाओ, आईडी दिल करके मार दिख रही है। अब मैम जब आप इंडिया से आई थी स्टूडेंट वीज़ा लगाकर, कितनी फीस थी आपकी घर बताएंगे कितनी, और आपने पैसा पे कर दिया था अपने पार्ट टाइम जॉब से? जी समहाउ अगर आप अच्छे से जॉब कर पाओ तो वो आपका पैसा निकल जाता है, और मैं फीस पे करके आई थी 2500 यूरोस। मतलब कि अराउंड से 2500 यूरो कितने, रफली 25 लाख? Somehow, no, not really. 2500, sorry. Yes. Sorry, 2500 लेकर पे का 25,000 नहीं, मतलब कि आपने 2.5 लाख। So 2.5 लाख इन्होंने, sorry, 2.5 लाख 2.5 लाख इनकी फीस निकल गई, आप 2.5 लाख तो बहुत ईजी निकल गई। तो मैम जब आप स्टूडेंट आई थी तो जो लड़की आपका रोल मॉडल देख रही हैं उनके लिए कौन कौन सी जॉब अवेलेबल, लड़कियों के लिए बताओ, लड़कियाँ सेफ हैं, कौन जॉब अवेलेबल? नहीं लड़कियाँ यहाँ पे बहुत सेफ हैं, क्योंकि नॉर्मली जैसी चीज़ें इंडिया में होती हैं वैसी चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं, और वैसे जॉब यहाँ पे लड़कियों को ईजी मिल जाती है। जैसे कि मैं इंडियन रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस आपको मिलते हैं जो आपको सपोर्ट कर सके, नॉर्मल पॉलिश लोग भी ऐसे बहुत सारे अच्छे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, नॉर्मली यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो मैम कह रही हैं आप रेस्टोरेंट में जॉब में लड़कियों को प्रेफर करते हैं रिसेप्शनिस्ट की, बहुत सारे जॉब्स लड़की निकल जाती हैं, आप डर रहे हैं लड़कियाँ यहाँ पर बहुत सारे सेफ हैं। अब इसके बाद मैं आपसे मैम आपसे पूछना चाहूँ कितने पैसे बनते हैं अब आज आप यहाँ पर रेस्टोरेंट में रफली इंडियन रुपीज़ में? रफली इंडियन रुपीज़ में मेरे बनते हैं 40,000 45,000।
इन रुपीज? यस। आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसिव आप जेब में आते हैं? यस। 50,000 करीब? यस। तो मैम के लिए 50,000 करीब ओवर टाइम नहीं करती हैं, अगर ओवर टाइम करते 60 भी बन सकते हैं, 50,000 करीब इनकी जेब में आ जाते हैं सारे घर के खर्चे निकाल के एक्सपेंसिव। पता कौन आदमी एक लड़की को 50,000 देगा पोलैंड में? और प्लस घर का एक्सपीरियंस भी इनका लग चुका है, आगे PR मिले तो किसी भी कंट्री में भी आगे जा सकते हैं। तो मैम यहाँ पर PR का सीन क्या है, PR कैसे मिलती है पोलैंड में, पता कुछ आपको? PR का सीन अभी मुझे नहीं पता है क्योंकि somehow मैंने सुना नहीं है। और वैसे भी अगर PR का सीन है तो अगर आपके पास 2 ईयर की प्रॉपर आपने स्टडी कंप्लीट की है, आपके पास डिग्री सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने वर्क वीज़ा जो आपने लगवाया है वो वर्क आपने प्रॉपरली किया है, सारे टैक्स प्रॉपरली पे किए हैं, तो आपको PR इजीली मिल सकता है। और जस्ट एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए बेसिक लेवल पे, बस PR मिल जाती, स्टडी कंप्लीट की 3 साल रहे, TRC मिलती तो आपको PR मिल जाती है। लेकिन आप छोटा टेस्ट इंग्लिश पॉलिश का देना, जो सबने बताया है वो दे दीजिए। पर गाइस वीडियो को लाइक करते हैं ना, लड़की खुलकर बता रही। तो इसके अलावा रेस्टोरेंट के अलावा 2-3 जॉब बता दो, कौन सी डिमांड? और बाकी जॉब भी ऐसी है कि अगर आप लोगों ने अच्छे से यूनिवर्सिटीज पास करी है और आपके पास अच्छे से यूनिवर्सिटीज के डॉक्यूमेंट है तो आपको यहाँ पे बैंक वगैरह में भी जॉब मिल सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको रेस्टोरेंट और उसमें ही जॉब करनी पड़ेगी। बैंक है, जैसे कि कोई MNC कंपनीज हो गई, वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है। बाकी डिलीवरी बॉय की जॉब बहुत है, वेटर की, कंस्ट्रक्शन की, वो सारी जॉब तो ओपन ही है, वो आपको मिल ही सकती है। तो मैम आप पब्लिक को मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप खुद अप्लाई करें, कैसे कोई 2-3 वेबसाइट बता रहे हैं पोलैंड की जहाँ से लड़के, जैसे मैं बता इंडीड बोलता हूँ, लिंक्डइन, कोई 2-3 वेबसाइट बता रहे हैं जहाँ पर लड़के लड़कियाँ इंडिया से खुद अप्लाई जॉब कर सकती हैं जब जो बाहर पोलैंड। मुझे भी फिलहाल तो लिंक्डइन ही पता है, उसके अलावा मुझे नहीं पता। मैं खुद ही लिंक्डइन से अप्लाई करती हूँ, तो मुझे भी फिलहाल लिंक्डइन ही पता है। तो आप अपना CV कवर लेटर बनाओ, वो तो बेसिक चाहिए ना, यूरोप सेंड चाहिए। CV कलेक्टर यूरोप सेंड बनाओ और 2-4 वेबसाइट के अलावा मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप अप्लाई करो। और बिंदास हो गया, लड़के 50,000 कमाती है और रेस्टोरेंट मैनेजर है, ओवरटाइम करे तो 60-70 बन जाता है। आप पोलैंड आओ और पोलैंड PR मिलना बहुत आसान है एज पर हर नॉलेज जो कि है। पर गाइस आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो खुद को लाइक करना क्योंकि मैडम बहुत बिजी है, सारे रेस्टोरेंट दिखाऊंगा अभी फुल है, लेकिन आपका संडे का टाइम है, रात के लिए बैठी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सी यू नाना तो लेटर आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। तो थैंक्स वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।